नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पूर्व थाना प्रभारी लालजी यादव की मौत के मामले में गढ़वा प्रांतीय यादव महासभा के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। गढ़वा पलामू के नवा बाजार के पूर्व थाना प्रभारी लालजी यादव की मौत के मामले में प्रांतीय यादव महासभा के बैनर तले बुधवार की शाम कैंडल मार्च निकाला गया। उस दौरान यादव महासभा के पदाधिकारी सहित अन्य समाज सेवियों ने कन्या मध्य विद्यालय के मैदान से रंका मोड़ तक पैदल कैंडल लेकर पहुंचे, जहां शोक सभा का आयोजन किया गया। मौके पर यादव महासभा के जिला अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद यादव ने कहा कि नवा बाजार के पूर्व थाना प्रभारी ललित यादव शोषण का शिकार हुए हैं। पलामू एसपी की ओर से लगातार उन्हें विभिन्न तरह के मामलों को लेकर परेशान किया जा रहा था। एसपी के शोषण के शिकार होकर उन्हें खुदकुशी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि लालजी यादव के मौत के मामले में उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, सभी मामले आ सकेंगे। कहा कि लालजी यादव की मौत के मामले में पलामू एसपी संदेह के घेरे में है। ऐसे में पुलिस महानिरीक्षक को संबंधित मामले का गहनता पूर्वक जांच करनी चाहिए। मौके पर वीरेंद्र यादव, सत्येंद्र यादव, अजय यादव, रामजी यादव, बाल मुकुंद यादव, कमल चौबे, राजद नेता सूरज सिंह बच्चन यादव, सुरेंद्र यादव, ललित यादव सहित अन्य लोग शामिल थे। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे ग्रीन लाइन न्यूज। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें।